मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। इंडिया में, महाराष्ट्र में, अकोला सिटी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक है मनोरुग्ण, जहाँ विथ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के समेत हम लोगों को भर्ती करते हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ मनोरुग्णों को रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास में कुछ बीमारी के लोग आते हैं जिनको हम बोलते हैं बायपोलर डिसऑर्डर, या बायपोलर डिसऑर्डर मतलब एक ये मूड डिसऑर्डर का ही प्रकार है। और इसमें होता क्या है कि इसमें बायपोलर होता है, मतलब दो पोल होते हैं। एक होता है, एक बार पेशेंट को आता है डिप्रेशन और एक बार उसको आता है मैनिया। एक बार आता है डिप्रेशन, एक बार मैनिया, या फिर डिप्रेशन डिप्रेशन मैनिया मैनिया, मतलब इस तरह का हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बायपोलर वन डिसऑर्डर। यहाँ पेशेंट को जैसा डिप्रेशन आता है वैसे डिप्रेशन के पूरे लक्षण होंगे, रोना आना, उदासीनता, खाने पीने की इच्छा नहीं होना, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं होना, खुदकुशी के विचार, नींद नहीं आना, बहुत थकान, आराम से सब काम करना, ऐसे पूरे डिप्रेशन के, निराशा के विचार और निराशा की बीमारी होंगी। उसका इलाज करने के बाद में वो दो या तीन महीने में अच्छा हो सकता है, उससे भी कम दिनों में अच्छा हो सकता है, या इलाज नहीं किया तो 8-9 महीने में अच्छा हो जाता है। मगर अच्छा होने के बाद में, मतलब नॉर्मल रिलैप्स, मतलब नॉर्मली रेमिशन हो जाता है वो, और नॉर्मल होने के बाद में उसको एक तो फिर से डिप्रेशन का दौर आएगा, फिर वो डिप्रेस हो जाएगा, या फिर उसको मैनिया का दौरा भी आ सकता है, मतलब उन्माद या हर्षवाई का दौरा आ सकता है। और वो मैनिया के दौरे में, जैसा मैंने पहले कैसेट में, मेरे वीडियो सीडी में कहा कि पहले मैनिया के दौरे में बहुत उत्साही, बहुत खुश रहना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत खुद को बड़ा समझना, पैसा खर्चा करना, खुद को, मतलब खुद को इतना बड़ा समझना कि मैं आमदार हूँ, खासदार हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, ऐसी बातें करना, और बहुत ही खुशी, गाने गाना, बहुत चिड़चिड़ापन, कम से कम नींद लेके बहुत ज़्यादा, मतलब उत्साहित होना, ऐसे महीने के लक्षण आते हैं, और वो भी 3-6 महीने में वो अच्छा हो जाता है। तो ये बायपोलर वन डिसऑर्डर है। अभी इसमें बायपोलर टू डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि उसको डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन में मैंने जैसा पहले बोला वैसा ही, कि उदासीनता है, नर्वसनेस है, होपलेसनेस, मतलब कोई अर्थ नहीं लगता उसको, कोई जीने में अर्थ नहीं है, कोई आशा नहीं दिखती है, रोना आता है, नींद नहीं बराबर, खाना बराबर नहीं, खुदकुशी के विचार आना, ऐसा पूरे डिप्रेशन के लक्षण रहते हैं। और उसमें बीच बीच में उसको हाइपोमैनिया होता है। हाइपोमैनिया मतलब ऐसा पूरा मैनिया नहीं है, उसकी थोड़ी सी नीचे वाली स्टेज, मतलब जिसमें लोगों को ऐसा लगता नहीं कि वो पेशेंट है करके, उसमें वो बहुत खुश रहेगा, घूमेगा फिरेगा ज़्यादा, लोगों से मिलेगा, तो जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको लगता है कि चलो भाई अच्छा हो गया और बहुत ज़्यादा भी एक्टिव हो गया है, पर एक्चुअली वो रहता है हाइपोमैनिया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेगा, मतलब मैनिया के सब थोड़े थोड़े लक्षण कम मात्रा में दिखाई देते हैं, वो हाइपोमैनिया है, और वो हाइपोमैनिया भी आता है और फिर वो धीरे धीरे निकल जाता है। और ये हाइपोमैनिया में भी नुकसान हो सकता है पेशेंट का या रिलेटिव्स का, कि जिसमें उनको जैसा पैसे ज़्यादा खर्चा किए तो नुकसान हो सकता है, या कोई डील कर दिया बड़ी, कोई खरीद लिया बड़ी गाड़ी, या मकान बेच दिया, या मकान खरीद लिया, ऐसा कुछ भी कर दिया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यह है बायपोलर टू डिसऑर्डर, या उसको बोलते हैं कि डिप्रेशन और हाइपोमैनिया, ऐसा साइकिल में आना। तो ऐसे ये बायपोलर डिसऑर्डर है, बायपोलर डिसऑर्डर वन, बायपोलर डिसऑर्डर टू। अभी इसके साथ साथ और एक है, उसको बोलते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर, मतलब मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, उसमें होता क्या, सिर्फ डिप्रेशन ही आता है, मतलब सिर्फ निराशा रोग है, निराशा आती है, दुख के विचार, दुख की भावना, और सिर्फ डिप्रेशन आता है, कि जहाँ उसको खाने में मन नहीं, सोना नहीं, उदासीनता, रोना आना, मतलब पूरे डिप्रेशन के लक्षण दिखेंगे, उसको बोलते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। उसमें एक ही पोल रहता है, मतलब उसमें मैनिया नहीं आएगा, और उसका इलाज जैसे मैंने पहले मेरे वीडियो में बताया वैसा उसका इलाज होता है, वो यूनिपोलर डिप्रेशन, सिर्फ डिप्रेशन का दौर आएगा। कुछ जो रहते हैं वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि कुछ सीजन के हिसाब से उनको डिप्रेशन या मैनिया आता है। जैसा कि ठंड काला होगा तो उसमें उनको थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा, नर्वसनेस, उदासीनता आएंगी, या धूप काला यदि होगा तो उसमें उनको जरा हाइपोमैनिया या मैनिक सिम्टम्स ऐसे दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। फिर एक और एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम साइक्लोथैमिया।
साइक्लो मतलब साइकिल जैसा। तो उसमें होता क्या है कि ये लोग थोड़ा थोड़ा सा हाई रहते हैं, थोड़ा सा लो रहते हैं, कभी बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर आठ दस दिन 15 दिन के बाद में फिर वो लो हो जाएंगे। घूमना नहीं, फिरना नहीं, बैठे रहना, अकेले अकेले बैठना, कभी रोना आना, कभी उदासीनता, नकारात्मक विचार, फिर वो ऊपर जाएंगा, हाई हो जाएगा, फिर लो हो जाएगा। तो ये लोगों को ज़्यादातर कहा जाता है कि मूढ़ी है, ये बहुत मूढ़ी है, कब कैसा करेंगे क्या करेंगे हमको मालूम नहीं, कभी अच्छा रहता है, कभी उदास रहता है, कभी खुश रहता है। तो ऐसे इसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया, और ये 2 साल तक चलता है, और ये 2 साल तक ये चलता है तो उसको फिर साइक्लोथाइमिया नाम की बीमारी कहा जाता है। ये सभी बीमारियों का इलाज है, इसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, दवाई देते हैं, मैनिया रहा तो एंटी मैनिक दवाई है, और मूड अप डाउन मतलब साइकिल जैसा चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो मूड को स्टेबल रखने के लिए भी मूड स्टेबिलाइजर्स है। तो मूड स्टेबिलाइजर मतलब मूड स्टेबल रखा तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, जैसे मूड स्टेबिलाइजर काफ़ी दिन तक लेना पड़ता है, काफ़ी महीनों तक लेना पड़ती है दवाई है, और उससे अच्छा हो सकता है। ये साइक्लोथाइमिया या ऐसे मूड डिसऑर्डर्स या बुरी आदमी है ये तो ऐसे समाज में खप जाते हैं, मतलब मालूम नहीं पड़ता कि इनको बीमारी है, मगर इसमें नुकसान समाज का होता है, फैमिली का होता है, उनका खुद का होता है। तो इसके लिए लोगों का मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी लोगों तक शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, क्योंकि हमारा मिशन जो है वो है एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत, और मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक्स।